आएंगे। काली ने जिस तरीके से अपने दर्शन श्लोकों से यहाँ पर मनोरंजन किया, बखूबी मनोरंजन किया, और फिलहाल शहबाज बीच मैदान पर उतरते हुए दर्शकों ने उनका तालियों के साथ स्वागत किया। शहबाज जैसा कि आप जानते हैं कि वो इंटरनेशनल प्लेयर जो कि आरसीबी की तरफ से खेलते हैं और फिलहाल हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलेंगे जो आने वाला आईपीएल होगा। और इससे पूर्व में वो हमारी इंडियन टीम के साथ भी जिम्बाब्वे का दौरा कर चुके हैं, तो बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। काली के आउट होने के बाद में शहबाज बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि शायद जहां तक एक बड़ा मुकाबले का प्रेशर होता है वो प्रेशर साफ नजर आता हुआ यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। काली की जो ख्याति है, जो काली की क्लास है बल्लेबाजी की, आज वो उस क्लास के अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं एक बड़ा महामुकाबला और प्रेशर हमेशा रहता ही है और उस प्रेशर के चक्कर में वो कच्चा खाए और अपना विकेट दे बैठे। तो कुल मिलाकर शहबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए, शहबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज, छेरा बदन ऊंचे लंबे कद के, अब सामने करेंगे हल्का सा थोड़ा सा ना भाई गेंदबाज भूरा का भूरा राउंड का विकेट बल्लेबाज है उन्होंने पहली गेंद पर अपना काम कर दिया और इस गेंद को दौड़ दिया चार रनों के लिए। तो चार रनों के साथ शहबाज ने अपना खाता खोला और चार रनों की सहायता से अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शहबाज इससे पूर्व में आरसीबी की तरफ से खेलते रहे हैं लेकिन फिलहाल अगले आईपीएल में आपको एसआरएफ की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच भूरा के लिए गेंद, भूरा की गेंद इस बार सीधे पैड पर आकर टकराई लेकिन कोई नुकसान नहीं, बिना फुटवर्क के और बिना गेंद की लाइन में इस बार इस गेंद को सामने की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद पैड से लगने के बाद गई ऑफ साइड के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस गिर दिया भूरा के लिए। तो कुल मिलाकर शहबाज के लिए आखिरी पावर प्ले यहां पर चलता हुआ, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर, भूरा इस बार राउंड की हमारी तरफ आते हुए शहबाज के लिए बल्ले से निकलता हुआ। कुल मिलाकर गजब की बल्लेबाजी, गजब का परफॉर्मेंस, जिस उम्मीद में यहाँ पर समर्थक सलीम खान या शहबाज बैटिंग कर रहा भाई यहाँ पर काम करते हुए 3 बॉल पे 10 रन बनाए, बॉल चेयरमैन की तरफ से छक्के पर खुश होकर उन्हें 1100 रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। शहबाज के इन 6 रनों की सहायता से उनका निजी स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन और टीम का स्कोर उछलता कूदता हुआ 71-3 विकेट के नुकसान पर। शहबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने करेंगे भूरा का, भूरा इस ओवर में राउंड बॉल की हवाई तरफ आते हुए इस बार ऑफ साइड से बाहर की गेंद इस पकड़ने में एक आसान सा केस थमा बैठे शहबाज, मात्रन बनाकर वापस पवेलियन में उठते हुए तो इस तरीके से चौथा झटका लगता हुआ आप इन दिनों की टीम को और टीम का स्कोर जबकि अभी भी 71 रन है। तो जिस उम्मीद के साथ में शहबाज